डालमेशियंस टीवी ओह ऑफ कर नो, दिया, लाइक चली गई। कैसा मेरा प्यार है, प्यार तुझे किया है, बस बन का प्यार मेरे भूल नहीं जाना। Hey guys, welcome back to our channel Puppy Powers. So today's video is all about grooming. कि आप अपने डॉग की ग्रूमिंग कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपको कुछ अच्छी टिप्स देने वाले हैं। सो बिना डिले करे वीडियो में चलते हैं। मेरा बच्चा, एक और बच्चा आ गया हमारा। अच्छा मुझे कोई बताएगा इसका नाम क्या है, और अगर मेरे को इसका नाम बताओगे तो उसका नाम बताना जरूरी है। ये वाला कौन सा है, वो वाला कौन सा। सो गाइस, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है रेगुलर ग्रूमिंग। आपको है ना रेगुलर ग्रूमिंग करनी बहुत ज़रूरी है, फिर चाहे आपके पास कोई भी ब्रीड हो। और अगर आपके पास स्ट्रे डॉग जो हमारे इंडीज होते हैं वो भी है ना, तो भी चलेगा, क्योंकि उनकी भी ग्रूमिंग उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी हमारी जो ब्रीड्स होती है या जो हम लोग रखते हैं यूजली लोग उनकी। सो ग्रूमिंग से क्या होता है ना, जो अगर आप रेगुलर ग्रूमिंग करोगे ना तो आपको पता है आपके डॉग की प्रॉब्लम्स पता चलती रहेगी। जैसे ना अगर उसकी कोई स्किन इन्फेक्शन है तो वो आपको पता चल जाएगा, अगर उसके ना कोई टिक्स वगैरह हो रहे हैं तो रेगुलर ग्रूमिंग से वो भी पता चलेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली रेगुलर ग्रूमिंग से जो आपको पता चलेगा, जो आप फील करोगे, दैट इज बॉन्डिंग आपके और आपके डॉग के अंदर। जो क्योंकि आप डेली टाइम स्पेंड करोगे ऑलमोस्ट, तो उससे आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। डॉग चाहे कोई भी हो, जिसका फर छोटा हो, जिसकी कोट कम हो, मतलब बीगल्स हो गए, रिट्रीवर्स सॉरी लेब्राडोर्स हो गए, अपने रॉटवीलर हो गए, अमेरिकन बुलीज हो गए, जिनके बाल कम होते हैं, इनकी भी ग्रूमिंग इंपॉर्टेंट उतनी ही होती है जितनी बड़े हेयर वाले, बड़े कोट वाले डॉग्स की होती है। जैसे सेंट बर्नार्ड्स, गोल्डन रिट्रीवर्स, हमारे शिट जूज, लासेप्टोस, इनकी जितनी इंपॉर्टेंट होती है उतनी ही छोटे वालों की भी इंपॉर्टेंट होती है। Guys, regular brushing of your dogs is very important, चाहे शॉर्ट हेयर ब्रीड हो या लॉन्ग हेयर ब्रीड हो, क्योंकि सॉरी शॉर्ट हेयर ब्रीड के अंदर आपको हफ्ते में एक बार आप ब्रशिंग कर सकते हो, लॉन्ग हेयर के अंदर आपको हर दूसरे दिन ब्रशिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ब्रशिंग नहीं करोगे तो उनको मैटिंग हो जाएगी, मैटिंग होती है बाल उलझ जाते हैं, बाल उलझने की वजह से उनके क्या होता है, इचिनेस पैदा हो जाती है, उसकी वजह से वो खुद को बाइट करते हैं, जिसकी वजह से वो स्किन इन्फेक्शन कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है। तो उससे बचने के लिए आप रेगुलर ब्रशिंग उसकी करते हो। रेगुलर ब्रशिंग से क्या होता है, जो फालतू के जो हेयर्स होंगे ना, उनके अनवांटेड हेयर्स जो कि ड्राई हो चुके हैं वहाँ से हट जाएंगे। तो दिस इज ऑल्सो गुड, एंड ब्रशिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द कोट। मल्टीवाइटामिन आप लगातार अपने डॉग्स को देते रहना, उससे जो उनका स्किन कोट होता है वो बहुत बना हुआ रहता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मल्टीवाइटामिन लिंक डाल रखा है मैंने, आप वहाँ पर क्लिक करो, जाके ले लो जैसा आपको मन हो। रेगुलर ब्रशिंग की वजह से जो डर्ट होती है उनकी बॉडी पर जाती है, उधर घुमा रहे हो कहीं पर भी लेके जा रहे हो, तो उसकी वजह से डर्ट होती है वो भी हट जाएगी। और जो जो लूज हेयर होते हैं ना, जो एमिंग मतलब यूं ही टूटते रहते हैं, घर में बिखरते हैं, वो अगर आप रेगुलर ब्रशिंग करोगे तो वो भी उससे रिमूव होते हैं। जो सेकंड पॉइंट है, दैट इज ट्रिम योर डॉग्स हेयर, बट यूज़ कॉशन। ओके, सो मोस्टली जो डॉग ओनर्स होते हैं वो अपने डॉग को प्रोफेशनल के पास ले जाते हैं फॉर ट्रिम देयर हेयर, मतलब उनके बाल कटवाने के लिए या छोटे कराने के लिए। वैसे ये बेस्ट तरीका होता है, बट इन केस अगर आप खुद करना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो चीज़ें हैं वो ये आपको ध्यान रखना है। एक तो कि आप है ना, आपके जो आपका जो डॉग है ना वो उस टाइम एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, वो बहुत काम होना चाहिए, बहुत शांत होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे डॉग का जो ये फेस का जो एरिया होता है ना, ये बहुत सेंसिटिव होता है। इधर के जो हेयर है वो ट्रिम करते हुए आपको स्पेशली ध्यान रखना होता है। बाकी मेरी पर्सनल एडवाइस है, आप लेके ही जाए प्रोफेशनल के पास तो अच्छा है। ओवरग्रोन हेयर जो होते हैं ना, उनसे हमारे डॉग की जो आई साइट होती है, वो जो विजन होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, उन्हें ना ऐसे अलग अजीब धुंधला सा दिखता है, क्योंकि ऑल टाइम बाल आंखों पे पड़े रहते हैं और ऐसे। तो हम इसलिए भी हमें ना उनके हेयर ट्रिम कराने चाहिए, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये है, जो उनके जो ईयर के जो हेयर होते हैं, जो ईयर के अंदर जो हेयर होते हैं, अगर हम उसे ट्रिम करवाते हैं तो उसका फ़ायदा ये है, जो एयर का जो मूवमेंट होता है ना, हवा का जो मूवमेंट होता है वो अच्छा होता है, उससे जो कानों में जो इन्फेक्शन होने के जो चांस होते हैं ना, वो बहुत कम हो जाते हैं हमारे डॉग के। तो जो हेयर ट्रिम वाला पोर्शन है वो भी इम्पॉर्टेंट है ग्रूमिंग के पार्ट में। थर्ड थिंग ग्रूमिंग के वक्त जो इम्पॉर्टेंट है वो है डॉग के नेल्स। नेल्स का कैसे पता लगेगा कि आपको कैसे काटने हैं, उसका पता लगेगा जब क्लिक क्लिक साउंड, कब काटने हैं उसका पता लगेगा जब आपको क्लिक क्लैक साउंड एक आने लग जाएगा नेल्स के किच किच करके फर्श पे चलने, किसी चीज़ पे चलने से, तो आप उसको नेल्स काटने पड़ेंगे आपको, ठीक है। नेल्स काटने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे वो अपने आप को हार्म कर सकते हैं। नेल्स काटते हुए आपको तीन चीज़ें लेकर आनी पड़ेगी, जिसमें से एक होगा क्लिपर। क्लिपर हमारे पास यहाँ पे है, ऐसा मार्केट में अवेलेबल है, आप ला सकते हो।
एक चीज आपको ट्रीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एक चीज आपको स्टैप्टिक पाउडर एक मार्केट में अवेलेबल है। गलती से आप हर्ट कर दोगे अपने डॉग को तो आप वहाँ पे जहाँ ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पे लगा देना, तो उससे वो काम हो जाएगी और रुक जाएगी ब्लीडिंग। ठीक है, आपको ट्रीट्स रिक्वायर्ड इसलिए क्योंकि आप डॉग्स को एक हैबिट डाल रहे हो नेल्स काटने की, अपनी तरह नहीं होता है वो, उनको एक आदत डालनी पड़ती है कि हम आपके नेल्स ट्रिम कर रहे हैं स्टार्टिंग से। ठीक है, नेल्स काटने के लिए सबसे पहले आपको फ्रंट पॉज से चालू करना, एक चीज का ध्यान रखना, आप जब डॉग के नेल्स देखोगे तो उसके अंदर आपको रेडिशनेस नजर आएगी, वो उसकी नर्व्स है। उसे क्लिक बोलता है, ठीक है, क्लिक से अपने को दूर ही रहना, सॉरी क्विक बोलते हैं उसे, आपको क्विक से थोड़ा दूर ही रहना है। स्टार्टिंग में जितना दूर रह सके उतना रहो, धीरे धीरे आदत डल जाएगी तो आप ट्रिम करना सीख जाओगे। कई जो डॉग्स होते हैं उनके नेल्स ब्लैक होते हैं, तो ब्लैक नेल्स में आपको ये ध्यान रखना है कि आप एच एच पे ही ट्रिम करना, उससे आगे जाने की जरूरत आपको नहीं है। वैसे आप जब ट्रिम करना चालू करोगे तो आप जब स्पॉट देखोगे तो उसके ब्लैकिश एक डार्क स्पॉट दिख जाएगा, दैट इज क्विक एंड ब्लैक डॉग्स, तो आप तो कोने कोने से ट्रिम कर दो। अच्छा, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप पैनिक हो गए, डॉग सेंस कर जाता है कि मेरा मालिक मेरे पापा पैनिक कर रहे हैं, तो आपको किसी भी एंगल से पैनिक नहीं करना है, उनको ट्रीट देते रहना, उन्हें काम रखो, ज़्यादा ज़बरदस्ती मत करना, कीप देम काम, घुमा लो फिरा लो, उसके बाद वापस ले आओ, ट्राई कर लो, ज़बरदस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी डॉग के नेल्स काटते हुए। ओके, फोर्थ पॉइंट जो है वो ये है, चेक योर डॉग स्किन जब तुम ग्रूम कर रहे हो। जो डॉग्स होते हैं ना उनमें बहुत कॉमन सा होता है ये एलर्जिक स्किन डिजीज, बहुत सारी कॉमन सी होती है, और उसके अंदर जो एक्सटर्नल पैरासाइट्स होते हैं, टिक्स होते हैं, फ्लीज होते हैं, लाइस होते हैं, और ऐसे जो होते हैं ये और उनको पेनिट्रेट करते हैं, उसकी वजह से उन्हें थोड़ी बहुत खुजली वुजली के इश्यूज रहते हैं। ठीक है, उसके अलावा कैसे चेक कर सकते हो डॉग में ना, ऐसे धीरे धीरे हाथ फेरो तो कोई लंप मिले, कोई रैशेज मिले, रेडनेस पता लगे, अनयूजुअल सा पता लगे, हैंड पे फील हो जाए, नहीं तो आप ना ऐसे यूं करते करते ब्रशिंग करते हुए भी चेक कर सकते हो उनकी स्किन के अंदर से, और मतलब एक तरह थोड़ा थोड़ा दिख जाएगा ऐसे हाथ से करके, पार्टिंग करके भी आप देख सकते हो कि ऐसे इस तरीके से कि है ना कुछ रेडनेस या कुछ एलर्जी तो नहीं है, तो इस तरीके से आप उनकी स्किन, तो यू कैन ट्रीट देम वेल, जैसे जैसे आपको प्रॉब्लम पता लग जाए उसके हिसाब से आप उसको ट्रीट कर सकते हो, तो इट्स बेटर टू टेक केयर ऑफ देम लाइक दिस। सो नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है कि आपको अपने डॉग की जो ईयर्स हैं, कान हैं, उनका भी बहुत ध्यान रखना है। क्या होता है कि कान की जो इन्फेक्शन होता है वो बहुत पेनफुल हो सकता है डॉग के लिए, सो आप ना रेगुलर मतलब जब आप ग्रूम कर रहे हो तब आप उसके कान चेक करो अच्छे से। क्या होता है कुछ इन्फेक्शन होते हैं, जैसे ना मैं बताती हूँ आपको, जैसे क्या होता है कई बार ना डॉग के कानों में से ना एक बहुत ऑड स्मेल आती है, जब इन्फेक्शन होता है ना तब ऐसी ऑड सी स्मेल आएगी जो यूजुअल आपको नहीं स्मेल करने को मिलती है। कई बार जब आप उनके ईयर चेक करते हो अगर कोई इन्फेक्शन है तो आपका डॉग ना क्या करता है वाइन करता है, वाइन मतलब वो ऐसे आवाज़ निकालता है ना रोने वाली, वो करता है, उसको पेन होता है ना तो वो मना करता है। आपका डॉग है ना स्क्रैच करेगा कान को, जब उसको कोई इन्फेक्शन होगा ना तो वो बार बार है ना उसको इरिटेशन होगी तो वो स्क्रैच करेगा, अपने हेड को ना शेक करेगा जब उसके कान में इन्फेक्शन होगा। नॉर्मल जो वैक्स होती है रेगुलर ग्रूमिंग में क्या होता है आपको क्या करना है, नॉर्मल जो वैक्स होती है वो क्लीन करनी होती है कॉटन से, और इनका एक वैक्स क्लीन करने का एक लिक्विड आता है वो मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, मैं आपको पक्का से इस पर भी वीडियो बनाऊंगी कि कान कैसे साफ करते हैं, नेल कैसे ट्रिम करते हैं, डोंट वरी मुझे पता है इसकी रिक्वेस्ट आई है, मैं ये वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो जो कान होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो जो नॉर्मल वैक्स होती है जो कान के अंदर जो हल्की गंदगी होती है वो क्लीन करनी होती है डेली, और आपको डेली चेक करना होता है अपने डॉग केयर सो दैट वो इन्फेक्टेड नहीं। ओके, लास्ट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है नहलाने के लिए, नहलाने के लिए आपको डॉग को आपके खुद के शैम्पूज यूज नहीं करना है, आपको उसे रोज नहीं नहलाना है, उसको महीने में एक बार नहलाना है, इनके पीएच लेवल अलग होते हैं, अपने पीएच लेवल अलग होते हैं, तो इनको मंथ में आपको सिर्फ एक बार नहलाना होता है। ठीक है, आप अगर उन्हें रोज नहलाओगे उसकी वजह से उनके जो नेचुरल ऑयल्स रिलीज होते हैं वो रिलीज होना बंद हो जाएंगे, उनके रैशेज चालू हो जाएंगे, रेडिश आ जाएगी स्किन के अंदर, तो इच करना चालू कर देंगे, फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। ठीक है, नहलाने के लिए अपने डॉग को लेके जाओ, हल्का सा नॉर्मल सा वाटर रखो, उसको रब करो, उसको गीला करने के बाद में शैम्पू जो है उसके रब कर लेना स्किन पे, 3-4 मिनट के लिए उसे सोख रहने दो, छोड़ दो, और उसके बाद में रिंस कर दो, बाहर ले आओ, ड्राई टॉवल से पोंछ दो, हो गया। वन मोर थिंग, आपको मार्केट में सेंटेड शैम्पूज अवेलेबल है, आपको सेंटेड शैम्पूज यूज़ नहीं करना है, कोई परफ्यूम से लगाना है आपके डॉग पे, उसकी वजह से भी इनको रेडिशनेस, रैशेज और स्किन प्रॉब्लम्स चालू हो जाती हैं, तो आपको वो भी नहीं करना है।
ठीक है। सो गाइज हमने ना ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर दिया है, हर एक चीज आपको बता दी है। स्टिल मैं आपको एक बार और छोटा मोटा सा रिमाइंड करा देती हूँ, आपको है ना पेशेंस के साथ काम लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, कामली काम लेना है, आराम से धीरे धीरे, ठीक है। अपने डॉग के ईयर रेगुलरली चेक करने हैं, उनका फर रेगुलरली चेक करना है, और एक ही दिन के अंदर है ना सब कुछ करके ना अपने डॉग को ओवरवेल्म नहीं करना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज गिव अप नहीं करना है ग्रूमिंग के लिए, क्योंकि गिव अप कर दिया तो आपके डॉग का ध्यान कौन रखेगा, आप ही को ध्यान रखने वाले। सो गिव अप नहीं करना है, कंटिन्यू करिए, बच्चे को धीरे धीरे सिखाइए, सीख जाएगा। बेबीज की तरह होते हैं, बेबीज की तरह ही पालो, इजीली समझ जाते हैं, बहुत जल्दी समझने लग जाते हैं चीजों को, तो धीरे धीरे कामली कामली सिखाते रहो, ट्रीट्स हरदम देते रहो, कोई भी अच्छी चीज करते रहो ट्रीट्स से ना मत भूलना। कुछ चीजों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप चेक कर लेना, परचेज कर सकते हो जहां पे अवेलेबल होंगी वो। सो अब हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। सो जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और नोटिफिकेशन बेल को भी प्लीज प्रेस कर दो, जिससे पता चले आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। सो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, लव यू।